सेंट थॉमस स्कूल शिमला, एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी एलकेजी यूकेजी। जो टूरिज्म विभाग है, इन्होंने अपने इनके अपने रूल्स हैं, उसके तहत रजिस्ट्रेशन होती है। और अब पहले थोड़ा जब शुरू हुआ था ये, तो जब एडवेंचर टूरिज्म शुरू हुए थे तो इतने ट्रेंड लोग नहीं थे उस समय। पर विद द पीरियड ऑफ टाइम जो है, टूरिज्म डिपार्टमेंट अब रजिस्टर करता है विद प्रॉपर, जिनको ट्रेनिंग हो उन्हीं को लाइसेंस इशू होता है। और जो उनके साथ काम भी कर रहे हैं, उनके आगे फर्म्स जो बनी हैं, उनके आगे जो इम्प्लॉयज़ हैं, उनकी ट्रेनिंग से संबंधित भी रूल्स जो है वो फ्रेम करे गए हैं, और उसी के तहत अब काम हो रहा है। ऐसे एडवेंचर टूरिज्म और आएगा तो धीरे धीरे लोगों को शौक भी बढ़ता है और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना काम बेहतर ढंग से कर सकें। जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पहल से अब राफ्टिंग और बोटिंग क्रूज़ जो है अभी बिलासपुर में आपने देखा है आप के वहाँ भी शुरू हो गया है। ऐसे ही तत्तापानी में धीरे धीरे करके जो है वाटर स्पोर्ट्स अब शुरू हो गए हैं। मैं कुफरी की भी बात बताना चाहूँगा, कुफरी में भी अब काफ़ी संगठित काम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा जो है वो कराया जा रहा है। करीबन 1 करोड़ रुपए जो है सवा महीने की वहाँ पे कलेक्शन डिपार्टमेंट ने करी थी। पहले ग्राम पंचायत करती थी, अब वो इको टूरिज़्म इको सॉफ्ट के तहत जो है वो कर रही है। और वहाँ के जो रास्ते हैं, सुविधाएँ हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए, टूरिस्ट के लिए भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। साथ ही इसी के साथ जैसे कमियाना में है, कमियाना हिल टॉप है कैम्पस्टन स्टेट के साथ, वो फॉरेस्ट का पूरी लैंड थी, उसमें भी हमने 7 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अभी टूरिज़्म के लिए, वॉकिंग ट्रेल्स हैं, साइकिलिंग है, मॉर्निंग वॉक है, उसके लिए भी हमने 7 करोड़ रुपए अभी अपने डिपार्टमेंट से सैंक्शन जो है कराए हैं। 2 करोड़ रुपए ऑलरेडी वी हैव रिसीव्ड और उसके टेंडर अभी 15-20 दिन में जो है उसके टेंडर जो है अवार्ड हो जाएंगे। तो ऐसे जी रूरल डेवलपमेंट से 7 करोड़ का प्रोजेक्ट है। पिछले साल जो है 2 साइट्स सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने पास करवाई थी, उसमें एक कमियाना हिल टॉप था और एक नदौन का, नदौन में एक पार्क था। इस साल जो है महासू पीक के लिए जो है और नालदेरा के लिए हम लोग वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो है सबमिट कर रहे हैं। हर साल ही आता है कोई ना कोई, इस साल हम वहाँ के लिए भी कर रहे हैं। परंतु हमारे 50% 60% कवर जो है फॉरेस्ट का है हिमाचल प्रदेश में, तो काम करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो उसका जो है फॉरेस्ट अधिकारियों के साथ बैठ के एक बायो मीडिया हमने निकाला है कि फॉरेस्ट ही उसमें काम करे, साथ में रूरल डेवलपमेंट का जो DRDA विंग है हमारा, DRDA उसको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन चेयरमैन जो है उसमें जो है संबंधित DFOC रहेंगे, ताकि काम करने में हमारे को आसानी रहे और तेज़ी से काम। हाटू पीक नहीं, मासू पीक। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।